नगर निगम द्वारा शहरी गोठान में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जा रहा है। गर्मी में पौधों को सूखने से बचाने लगातार पानी देने देसी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत छोटे मटकों में हल्का छेद कर उन्हें पौधों के साथ लगाया जा रहा है। इससे पौधों तक लगातार पानी पहुंच रहा है। गर्मी में पौधों को सूखने से बचाने नगर निगम प्रशासन द्वारा शहरी गोठान में पौधों को लगाकर पानी देने देसी पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोठान में बड़ी संख्या में पौधारोपण किए जा रहे हैं। पौधों की संख्या के बराबर निगम प्रशासन द्वारा छोटे मटकों की खरीदी की गई है। इन मटकों में बारीक छेद करवाकर उन्हें पौधों के साथ गाड़ा जा रहा है। निगम अधिकारियों का मानना है कि पानी से भरे मटकों का पौधों के साथ रहने से पौधों को बूंद बूंद के जरिए पर्याप्त मात्रा में गर्मी में पानी मिलता रहेगा। इससे पौधों के मुरझाने या सूखने जैसी समस्या भी पैदा नहीं होगी। पौधों में पानी देने को लेकर गोठान में कार्यरत श्रमिकों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। इस प्रक्रिया की जानकारी मटकों में पानी भरवाकर पौधों को सुरक्षित रूप से लगवा रहे नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी। माननीय महापौर एवं आयुक्त महोदय के निर्देश पर गोठान को जो है अद्यतन करने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें 5 एक्टिविटीज के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं फूल बनाने का काम, मशरूम उत्पादन का काम, मछली उत्पादन का काम और अगरबत्ती बनाने का काम, गुलाल बनाने का काम और साबुन बनाने का काम कर रही हैं। और गौठान में जो है व्यवस्था के तहत नेपियर ग्रास और चारा तुलादान सारी व्यवस्थाएं इसमें अपडेट हैं। और आज जो है हम लोग इसमें प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, नई पद्धति से कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। चूँकि देसी पद्धति है और अभी गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में पौधों को पानी देना और पौधों को सुरक्षित रखना, इसकी जिम्मेदारी के तहत में हमने एक सिस्टम इसमें लाया है जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। चूँकि ड्रिप इरिगेशन काफ़ी महंगा पड़ता है, इसके लिए हमने देसी पद्धति जो मटकी होता है, इसको हंडी भी बोलते हैं, मटका बोलते हैं, जो मिट्टी से बना होता है, उसका उपयोग कर रहे हैं। उसमें हम नीचे में एक होल करते हैं, उसको पौधे के बगल में लगाते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे टपक विधि से जो है पौधे को पानी मिलता है, इससे पानी की बचत भी होती है, पौधे सुरक्षित रहते हैं। और 2-3 दिन कम से कम पानी नहीं भी डालेंगे तो पौधे को आराम से जीवित रखा जा सकता है। इस पद्धति को अपनाते हुए हम प्लांटेशन कर रहे हैं और गौठान में जो छाया देने का काम है वो पौधे करेंगे। भीषण गर्मी में पौधों से ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ में छांव भी मिलता है और राहगीरों को भी इससे राहत मिलती है। तो गौठान में जो है गाय जो है, पशु जो है, उनको भी पेड़ के छांव के नीचे उनको राहत मिलेगी। निश्चित रूप से इसी उद्देश्य के साथ में गौठान में प्लांटेशन किया जा रहा है। बहरहाल पौधों को पनपने निगम प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही यह देसी पद्धति कितनी कारगर साबित हो पाती है, पौधों का विस्तार हो पाता है अथवा नहीं, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।